गुड जॉब कमल, थैंक यू वेरी मच। ना जाना रहेगा ही। ये देखो शिमला का बिल गेट्स। हे स्वयं। मानना पड़ेगा भाई तुम्हें। जीत पर इतना भरोसा था कि तुम भूल ही गए कि तुम हार भी सकते हो। नहीं देखो ना, चले आ गए यहाँ पर सीना बांध के। क्या हो गया, हार गए? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैसे स्वयं दाद दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। You know what, buddy? I like your style. मस्त एकदम। सही लग रहा है ना? बिगड़ी? तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो सर। जिस आदमी को हमने झूठे टेंडर अमाउंट के साथ भेजा था, तुमने उस पर यकीन कर लिया। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। जिस आदमी को तुमने मेरे ऑफिस का सीक्रेट जानने के लिए खरीदा था, उसे मैंने दुगना इनाम देकर अपनी तरफ निकाल लिया था। झूठे टेंडर अमाउंट के साथ उसे भेज दिया, फिर वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। तुमने उस फेक टेंडर अमाउंट के बेसिस पर अपने टेंडर का अमाउंट बदल दिया। जैसे हमें यह पता चल गया कि तुम्हारे टेंडर के अमाउंट की कीमत क्या है, नतीजा ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास है। माइंड ब्लोइंग। फिक्र मत करो स्वयं, अभी एक सहारा है तुम्हारे पास। आखिर हम भाई जो है तुम्हारे, किसी भी चीज या पैसों की जरूरत हो तो मांगने आ जाना, मना नहीं करेंगे। नौकरी वोकरी चाहिए होगी तो ऑफिस आ जाना। फिगर मस्त हो गया, सेक्रेटरी बना लेंगे। किसके ख्यालों में हो कशिश? किसी के भी नहीं। ठीक है, मुझे मत बताओ, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। वैसे कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे साथ कब चल रही हो? कहाँ? अरे वाह, जिसकी शादी है उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं। अरे कशिश, ये शादी का घर है और कल रात तुम्हारी मेहंदी की रात है, और मुझे इतना सारा इंतजाम करना है, और फिर मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग पे भी तो जाना है। शॉपिंग? हाँ शिप्रा, अभी हम शॉपिंग करके आए ममा के साथ। क्या हो गया तुम्हें इतनी सारी शॉपिंग? प्लीज शिप्रा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कशिश, तुम भी ना, ये कोई बात नहीं होती है कि तुम अपनी सास के साथ शॉपिंग चले जा सकती हो और मेरे साथ नहीं। प्लीज चलो ना कशिश, वो लोग भी आते होंगे। बाकी सब कौन? मैंने महक को बुलाया, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर शॉपिंग करें। एक बात पूछूं शिप्रा, मेरे लिए तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया कशिश, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने इस घर के लिए जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था।
मैं भी तो अपना फर्ज ही निभा रही हूँ ना कशिश। कहने को इस घर में हम एक परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन परिवार तो अब बना है। अब मुझे समझ में आया कि परिवार का मतलब साथ रहना नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के लिए फर्ज निभाना होता है। और ये सब मैंने तुमसे तो सीखा है कशिश। अब जब समझ में आया तो तुम हम सबको छोड़कर जा रही हो। शिप्रा तुम भी ना, मुझे भी रुला लिया। और मैं इस घर से विदा थोड़ी ना हुई हूं, मैं तो सिर्फ इस घर से दूर जाऊंगी। तुम लोगों के दिलों से कभी नहीं, और तुम लोग मेरे दिल में हमेशा रहोगे। अब क्या हुआ, शॉपिंग के लिए देर नहीं होगी? कॉन्ग्रेचुलेशन सुजल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बेटा मैं जानता था ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए सिर्फ तुम ही ला सकते हो, वो स्वयं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कीप इट अप बेटा। थैंक यू अंकल। और वैसे मैंने सीजी से भी बात कर लिया, वो भी बहुत खुश था। वो कह रहा था जब वो वापस आ जाएगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे। नहीं अंकल, अभी सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। ये तो हमने पहली सीढ़ी पार की, बहुत कुछ करना बाकी है। मैं इस प्रोजेक्ट को एक यादगार प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। बेटा ये सुनकर तो आज पीयूष भी बहुत खुश हो रहा होगा। तुम यहाँ? हाँ, काम से आऊँ। क्या काम? अरे अंकल मैंने बैचलर पार्टी रखी है, अब भी आ जाना। नहीं सुधरेगा। I'll see you. अरे 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 बिग बी, ठीक है आप काम कर रहे हो? ऑफिस में काम करते हैं ऋषि। हाँ माना कि काम करते हैं, पर एक अजीब सा फैक्ट है, इंसान सोचता है कि शादी से पहले मैं काम कर लेता हूँ क्योंकि शादी के बाद फिर बीवी के साथ वक्त गुजारने को मिलता, मगर सच तो है कि इंसान शादी के बाद ज्यादा वक्त ऑफिस में गुजारता है। पता है क्यों? अरे आजादी जो छिन जाती है। तुम और तुम्हारे लॉजिक। और उसी लॉजिक के हिसाब से कल मैंने एक बैचलर पार्टी रखी है और आपको आना ही होगा। मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। अरे काम वाम तो होता रहेगा बिग बी, जस्ट इमेजिन बैचलर पार्टी, शराब होगा, शबाब होगा, कबाब होगा। आई मीन कबाब आप खा लेना, शराब और शबाब के साथ मैं काम चला लेता हूँ। व्हाट्स गुड आइडिया? बिल्कुल नहीं ऋषि। तुम्हें लगता है कि मेरा इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है? अरे बिग बी आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मेरा तो है ना। आपके नाम पर बिल फाड़ कर मैं इंजॉय कर लूंगा। तुम नहीं सुधरोगे? नहीं, तुम शादीशुदा हो और ये बैचलर पार्टी है। हाँ, एक्सपीरियंस की वजह से तो रखा हुई है बैचलर पार्टी। अरे बिबी मैंने सभी लोगों को इनवाइट कर दिया, आपको भी आना ही होगा। अगर अभी आप नहीं आओगे ना तो ऐसा लगेगा कि बारात आ गई मगर दूल्हा नहीं आया। मैं नहीं आ रहा हूँ ऋषि। नहीं आ रहा हूँ तो क्या मतलब है? आपको आना ही होगा बिबी। देखो अभी कल संगीत है, कशिश भाभी आपसे मिल नहीं पाएगी, तो बैचलर पार्टी से अच्छा क्या आइडिया है आपके पास? कुछ नहीं ना, तो आपको आना है। नो काम नो दाम, ओके? ओनली आराम। क्या हुआ कश, तुम मुझे यहां देखकर चौंक क्यों गई? क्या तुम्हें पता नहीं था मैं यहां हूं? या फिर
वाकई तुम्हें नहीं पता था कि मैं क्या करूं अपने छोटे भाई का। तुम्हारी उससे शादी होने वाली है और उसने तुम्हें बताया नहीं कि मैं यहाँ पे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, शादी से पहले इतनी छोटी छोटी बातें तुमसे छुपा रहा है, उसके बाद ना जाने क्या करेगा। खैर कोई बात, अगर उसे नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। अब तुम्हारा रिश्ता गरेवाल परिवार से जुड़ने वाला है दोबारा, और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो जब भी मैं आता हूँ गरेवाल खानदान के सारे सुर पे जाते हैं। देखो मैं एक बार फिर से आ रहा हूं। क्या हुआ? बहुत गुस्से में दिखाई दे रही, कुछ कहना चाहती हूँ? सिर्फ इरादे काफी नहीं होते इसमें, नियत बहुत जरूरी होती है, और अक्सर खराब नियत कभी कामयाब नहीं होती। तुम ना तो तब हमारा कुछ बिगाड़ सके थे और ना ही अभी कुछ बिगाड़ सकोगे, क्योंकि मेरे और सुजल के बीच का जो बंधन है तुम्हारे इरादों से कहीं ज्यादा मजबूत है। नियत साथ ऐसा क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे शिवांगी? शिवांगी, तुम यहां पर क्या कर रही हो? मैं जानती हूं शिवांगी कि मुझे यहां देखकर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है, लेकिन मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मुझसे अब वरुण का दर्द देखा नहीं जाता। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, वो दर्द तुम्हारे लिए है शिवांगी। वरुण सचमुच तुमसे प्यार करता है, उससे भी कई ज्यादा प्यार जितना वो मुझसे करता था, और मैं जानती कि तुम भी उससे उतना ही प्यार करती हो। मैं वरुण से कोई प्यार नहीं करती, ओके? तो फिर तुम्हारी आंखों में वो दर्द क्यों है जो मैं वरुण की आंखों में देखती हूँ? हाँ, दर्द, लेकिन ये दर्द है उसकी बेवफाई का। मैं समझ सकती हूँ शिवांगी, कैसा लगता है जब अपने प्यार को किसी और के साथ देखो। शिवांगी, शायद मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि वरुण और तुम्हारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। उस रात जब वरुण मेरे यहाँ था, तब मैं उसे सड़क पर से उठा के लाई थी कि वो नशे में धुत था। शिवांगी, मुझे उसे वहां छोड़ना मुनासिब नहीं लगा, बस इसलिए मैं उसे मेरे यहां ले आई। और जैसा तुम सोच रही हो वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। Thank you.
और शिवांगी, ये जो तुम्हारा वरुण के लिए गुस्सा है ना, दरअसल वो उसके लिए प्यार है। वरुण को माफ करना तो मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम और वरुण फिर से एक हो जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम यहां पर सब ठीक तो है ना? स्वयं यहां वापस आ गए हैं। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई सुजल? वो तुम्हें वो मिला था तुम्हें? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की? स्वयं ने मेरे साथ बदतमीजी की या नहीं की, इससे ज्यादा जरूरी मेरे सवाल का जवाब है सुजल। मुझे इस बात से इतनी तकलीफ नहीं कि स्वयं यहां वापस आ गया, जितनी इस बात से हुई कि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई। क्यों सुजल? कशिश, हमारी शादी होने वाली है। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि हमारी शादी होने वाली है, और अभी से तुम मुझसे बात छुपाने लगे हो। एक शादी के बंधन के सबसे मजबूत डोर विश्वास की डोर होती है, और देख रहा हूँ कि वही विश्वास नहीं है तुम्हें मुझ पर। कशिश, मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता था। तुम पहले से ही इतनी परेशान, और देखो जब से तुम्हें ये बात पता चली है तुम कितनी भरोसा रखो मुझ पर। मैं हूं ना? I'm so sorry, सुजल। वो बस मैंने स्वयं को देख लिया इसलिए। समझ सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। जब तक हम साथ हैं कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, भरोसा रखो मुझ पर। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा तुम्हें ये सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए देखकर। ये तो तुम सब कर रही हो, लेकिन खुद तैयार कब होगी? मम्मा मुझे तो सिर्फ 5 मिनट लगे। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हें ऋषि को साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारी शादी में तो कुछ नहीं कर पाई, मम्मी जी ये सब बेटा ये इस घर का रिवाज है। मुझे मेरी सास ने दिया था और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।